बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक कुकिंग विद मिंसा। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की अफगानी एग की रेसिपी। इसके लिए एक अदद आलू, एक अदद प्याज, एक अदद टमाटर, दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए। इन सबको बारीक टुकड़ों में काट लें। और अब एक पैन में 3-4 टेबलस्पून ऑयल के गरम करें। जब वो गरम हो जाए तो इसमें बारीक कटे हुए आलू ऐड कर दें। अब हमने आलूओं का कलर चेंज होने तक उनको हल्का फ्राई करना है। आंच को आपने हल्का ही रखना है, स्लो हीट पे ही पकाना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम इनमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को, जो कि स्लाइस में कटी हुई है, वो शामिल कर देनी है और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करना है। जब ये प्याज और आलू हल्के फ्राई हो जाएं तो अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लें। हमारे प्याज और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने इसमें एक अदद चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को शामिल करके अब हम इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे पिसी हुई, और इसके साथ ही आपने 1/2 टीस्पून सॉल्ट शामिल करना है, या हस्बे जायका आपको कम या तेज़ जिस तरह पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक ही शामिल होता है। और ये दूसरी साइड पे हमारा क्रिस्पी पराठा तैयार हो रहा है, जो कि इस एग के साथ खाया जाएगा। पराठे के साथ ये एग बहुत मज़ा करता है। आप पराठे की जगह ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है, जो आपको अच्छा लगता हो। ये हमारे टमाटर, प्याज और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और कुकिंग विद मिंसा को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हमने 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है ताकि आलू और टमाटर और प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएं। ये अच्छी तरह से गल गए हैं आलू हमारे। अब हमने इसको इकट्ठा करना है दरमियान में। आंच आपने हल्की ही रखनी है। मैं सिर्फ एक ही एग बनाने लगी हूँ, आप इसमें 2 या 3 एग डाल सकते हैं एक ही बार में। ये एग बहुत मज़े का तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अब हमने इसमें एग शामिल कर दिया है और आंच बिल्कुल स्लो है। आप इसमें 2 या 3 एग डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा अफराद हैं तो।
ये मैं सिर्फ एक अफराद के लिए बना रही हूँ। अब आप इसमें नमक और हल्की सी काली मिर्च छिड़क दें ताकि अंडा फीका ना रहे। इस पे थोड़ा सा हरा धनिया और ये कुछ हरी मिर्ची शामिल कर दें। तो व्यूअर्स अब आप इसको ढांप दें 3-4 मिनट के लिए ताकि हमारा एग जो है वो पक जाए। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो ये है इसकी फाइनल लुक। आप इसको पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, बन के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, तो इंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।